हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के बारे में, जिसमें फ्राइडे को क्या क्या हुआ इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, वारी का शेयर फ्राइडे को भी माइनस में क्लोज हुआ, 3% माइनस में क्लोज हुआ, 2118 रुपीस पर क्लोज हुआ, जबकि 52 वीक हाई था 3040 रुपीस। मैंने जिन लोगों ने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे, मैंने कहा था कि वारी में अभी पहले जैसी स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो हिसाब से आप बहुत ज़्यादा तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। मार्केट में फ्राइडे को भी तेज़ी थी, उसके बावजूद भी वारी का शेयर प्लस के जगह पे माइनस पे क्लोज हुआ है। एक्चुअली देखा जाए तो 2184 रुपीज़ तक शेयर गया था, 2184 रुपये तक शेयर गया था ऊपर, बट बाद में तेज़ी टिक नहीं पाई और लो भी लगाया था शेयर ने 2100 रुपीज़ का। मतलब शेयर में ऐसा लग रहा था लोअर सर्किट भी लग जाएगा, ऐसे भी कभी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, बट फाइनली लोअर सर्किट ना लगते हुए -3% पे शेयर क्लोज हुआ है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे लोअर सर्किट क्यों नहीं लगा, तो शेयर ने 50 डेज मूविंग एवरेज 50 DMA का सपोर्ट लिया है। एग्जैक्टली 50 DMA के सपोर्ट पर शेयर क्लोज हुआ है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो भारी गिरावट हो सकती है, और अगर इसको सपोर्ट को टच करके फिर से जो है ऊपर जाने की कोशिश शेयर कर सकता है, बट ये टोटली डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर। मार्केट में तेज़ी रही तो हो सकता है यहाँ से रिकवर हो, बट अगर मार्केट में तेज़ी नहीं रही तो हो सकता है इस लेवल को ब्रेक करके शेयर नीचे भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बट इसका एक ही फ़ायदा होने वाला है, इसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं लग रहे हैं, तो उसका फ़ायदा एक पॉजिटिव बात ये हो सकती है कि शेयर अभी ASM स्टेज 4 में है। नॉर्मल ट्रेडिंग और 2-4 दिन करेगा तो शेयर को ASM स्टेज 4 से निकाल कर 3 में डाल दिया जाएगा, जिसके कारण इसमें इंट्राडे शुरू हो जाएगा। मतलब आप सेम डे लेकर सेम डे बेच पाओगे, ये पॉसिबल होगा अगर ये ASM स्टेज 3 में जाएगा तो अगर ये नॉर्मल ट्रेडिंग ही करते रहा कुछ दिनों तक, तो वो भी हमें न्यूज़ आते हुए देखने को मिलेगी। एक ही पॉजिटिव बात इससे निकल कर आती है। हालांकि अगर आपका एकदम ही लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, तो थोड़ा बहुत शेयर हर गिरावट में आप बाइंग करके लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बेस्ट है, बट जो शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि शेयर में अभी डायरेक्शन मिलना मुश्किल है। हो सकता है एक रेंज बाउंड होकर 5-10% के रेंज में ही शेयर घूमता रहे जब तक कोई बड़ी न्यूज़ आती नहीं है, जैसे कि भाई कोई बड़ी ऑर्डर की न्यूज़, क्वार्टर 1 के रिजल्ट की, जून क्वार्टर के रिजल्ट की डेट, या फिर MSCI इंडेक्स से रिलेटेड किसी फंड हाउस ने बाय किया वगैरह। ऐसा जब तक न्यूज़ नहीं आता है हम बहुत ज़्यादा तेज़ी शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो हिसाब से आपको इसमें डिसीजन लेना है कि आपको बाइंग करना है या वेट करना है। बट जो लोग ट्रेडर्स लोग हैं उन्होंने क्वार्टर 1 के रिजल्ट की डेट आएगी या कोई बड़ी न्यूज़ आएगी तो ही एंट्री करना है, नहीं तो वेट करना चाहिए। बट लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर लोगों को दिक्कत नहीं है, ये टेम्पररी पेन है। जैसे जैसे क्वार्टर के रिजल्ट शानदार आना शुरू होंगे शेयर में अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है। बस वो जैसे जैसे एग्जीक्यूट होगी, क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आएंगे तो शेयर में फिर से तेज़ी बनेगी। इस बात को डिसीजन लेकर आपको डिसीजन लेना है, इस बात को ध्यान में रखकर कि आपको इसमें अभी बाइंग करना है शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, वो देखना है। बट शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हो कि मैं और मेरी टीम कौन सा डीमैट अकाउंट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। थैंक यू फ्रेंड्स।